सही गलत का सवाल नहीं उठता, बदलाव है जो हो ही उस पर सही गलत का लेबल नहीं लगाना चाहिए। बदलाव जीवन है, हम सब समय में जीते हैं और समय का अर्थ ही है बदलना। हाँ, अब ये सवाल का दूसरा पार्ट हुआ, पहला तो ये कि क्या बदलाव है और दूसरा ये कि क्या बदलाव उचित है। पहला तो ये कि बदलाव है और दूसरा कि क्या वो उचित है। तो बदलाव तो है और बिल्कुल सामने है, उसको नकारने की कोशिश फालतू है। तुम प्रतिपल बदल रहे हो, समय का अर्थ ही है बदलना। समय में जो कुछ है सब बदलेगा, तुम किसी भी तरीके से उसको रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोक नहीं सकते। दूसरी बात कि क्या ये बदलाव उचित है, जिसको बदलना चाहिए वो ही बदले, जिसको नहीं बदलना चाहिए वो बिल्कुल ना बदले। जो बाहरी है बदलना उसकी प्रकृति है और वो बदलेगा, बहुत अच्छी बात है कि बदले, उसके बदलने के रास्ते में रोड़े मत अटकाना। और कुछ तुम्हारे भीतर ऐसा है जो बदल सकता ही नहीं, उसको कोशिश भी ना करना कि बदल जाए। पर हम जीवन बिल्कुल उल्टे तरीके से जीते हैं, जो कुछ बदलेगा ही उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं कि काश ये ना बदले। और वो जो कांस्टेंट है, शाश्वत है, उसका हमें कुछ पता होता नहीं। बाहरी चीजें जैसे तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, तुम्हारे रुपए पैसे, इन सबको तुम कोशिश करते हो कि कभी ना जाएं, कभी ना बदलें, आज जैसा है सदा वैसा ही बना रहे, जबकि ये पक्का है कि ये बदल जाना है। शरीर है, इसको तुम चाहते हो आज जैसा है बना रहे ऐसा ही, जबकि पक्का है कि ये बूढ़ा होगा और मर जाएगा, बदलेगा। जहां तुम्हें ये विचार करना ही नहीं चाहिए कि कुछ ना बदले, वहां पर तुम बदलाव को रोकने की कोशिश करते हो, जो कि पागलपन है, क्योंकि तुम्हारे कोशिश करने से भी कुछ होगा नहीं, बदलना उसकी प्रकृति है, वो बदल के रहेगा। दूसरी तरफ तुम्हारा जो दूसरा सिरा है, जहां कुछ कभी बदलता नहीं, जो एक ऐसी डायमेंशन में है जो समय के पार है, हमने कहा जो कुछ समय में है वो बदलेगा। तुम दो डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हो, एक तो वो जो लगातार बदल ही रही है, जो टाइम है, जो स्पेस है, जो मटेरियल है, और दूसरी वो जो कभी बदल सकती नहीं, जो समय के पार है। उस डायमेंशन का तुम्हें कुछ पता नहीं, उसका तुम्हें कुछ पता नहीं, उसका बिल्कुल होश नहीं। चूंकि उसका होश नहीं है, इसीलिए तुम कांस्टेंट को वहां खोजने की कोशिश करते हो जहां कोई कांस्टेंसी हो नहीं सकती। चूंकि असली कांस्टेंट से बिल्कुल अनभिज्ञ हो, इसीलिए उसको गलत जगहों पे तलाशते हो जहां वो तुम्हें मिलेगा नहीं। तुमने देखा है ना, हम सब कैसे स्थितियों को बांध के रख लेना चाहते हैं। कोई तुम्हारा स्वजन है, प्यारा है, तुम चाहते हो कि कभी दूर ना हो, कुछ बदले ना, आज मेरे पास है, सदा मेरे पास रहे। तुम्हारे सुख के क्षण होते हैं, तुम चाहते हो कभी ये जाए ना, जैसे आज है वैसे ही रहे। हम सबको तलाश है उसकी जो कभी बदले ना, पर हम उसको गलत जगह खोज रहे हैं। हम उसको जहां खोज रहे हैं वहां वो हमें कभी नहीं मिलेगा, वो हमें वहां कभी नहीं मिलेगा। पर हाँ, तुम्हें तलाश है, इस कारण ये स्पष्ट है कि उसको पाना जरूरी है तुम्हारे लिए। उसको पाना अगर तुम्हारे लिए जरूरी ना होता तो तुम उसकी इस तरीके से तलाश नहीं करते। तो कुछ तो ऐसा मिल जाए जो बदलता ना हो, कुछ तो ऐसा मिल जाए जो पूरी तरह मेरा हो, जिसे कोई छीन ना सकता हो, कुछ तो ऐसा मिल जाए जो समय से बाहर हो, कि समय बदलता रहेगा पर वो नहीं बदलेगा। तलाश हम उसी की करते हैं, पर हम उसकी जिस जगह तलाश कर रहे हैं वहां वो मिलेगा नहीं। तो बदलाव उचित है, पूरे तरीके से उचित है, बाहर बाहर,
और बदलाव हो ही नहीं सकता जहां पर तुम हो, तुम्हारे सेंटर में, तुम्हारे केंद्र में। जो कुछ बदल नहीं सकता उसका नाम है ध्यान। वो सारे बदलाव को बस जानता है, वो खुद नहीं बदलता, उसी का नाम है अटेंशन, उसी का नाम है चेतना। वो बस जानता है कि क्या क्या बदल रहा है। अच्छा, सब बदल रहा है पर वो नहीं बदल रहा। समझ रहे हो? तो क्या बदल सकता है, क्या परिवर्तनीय है और क्या नहीं है परिवर्तनीय है, इन दोनों को अलग अलग जानो और इनको आपस में मिलाओ मत। जहां परिवर्तन होना ही चाहिए वहां उसे पूरी तरह होने दो और खेलो उसके साथ और रोकने की कोशिश भी मत करो। कह दो कि ये सब तो वैसे भी बदल नहीं था, बदल गया, अब इसमें रोना कैसा? जो जाना ही है उसको मुट्ठी में बांधने की कोशिश कैसी? तो उसको बदलने दो, बिल्कुल उसमें तुम रोड़ा मत अटकाओ कि मैं रोक के रखूंगा, मैं बदलने नहीं दूंगा। तुम कितनी देर तक रोक लोगे? तुम्हारे बस की नहीं है। हाँ, जो बदल ही नहीं सकता उसको जान लो। अब तुम्हारे पास दोनों हैं और जिसके पास होंगे वो दोनों ही होंगे, एक नहीं होगा, वो फिर दोनों का मालिक हो जाएगा और बहुत मजेदार हालत हो जाएगी उसकी। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ